दोस्तों देखिए इस लड़के का जो है अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो गया है कोल इंडिया से बीसीसीएल से, और इसका जो है लगभग कितने साल का था जी आपका अप्रेंटिस? एक साल का। कितना? एक साल। एक साल का इसका अप्रेंटिस था। और आपका नाम? कृष्णा कोल। और इसका नाम है कृष्णा कोल। कहाँ के रहने वाले थे? देवघर। देवघर के रहने वाले हैं कृष्णा जी। और इनका बीसीसीएल से जो है एक साल का लगभग अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो चुका है। और बताइए कि एक साल के अप्रेंटिसशिप में आपको कहीं मतलब पैसे का प्रॉब्लम या कुछ ट्रेनिंग का प्रॉब्लम आया? नहीं, पैसा यहाँ पर मुनिडी में पैसा का प्रॉब्लम नहीं होता है। अच्छा, सबसे पहले बात। हाँ, मतलब पैसा का प्रॉब्लम यदि आप मुनिडी डब्ल्यू जे एरिया में आते हैं तो आपको महीना महीना, जैसे कि कहीं कहीं होता है कि 6 महीना 5 महीना से पैसा नहीं मिलता है, लेकिन मुनिडी में जो है आपको हर महीना आपको पैसा मिल जाएगा। और बताइए, और जैसे कि मतलब कि ट्रेनिंग मतलब कि कैसा है यहाँ पर जो है जो हमारे मैनेजर है आपके, तो उसका व्यवहार कैसा आपको लगा एक साल के बीच? और जो हमारे इंचार्ज है वो तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा। और किसी कोई भी चीज का प्रॉब्लम होता है तो बताते भी हैं। मतलब जिसको कोई भी चीज का जैसे प्रॉब्लम हो जाता है तो उसके लिए उसका सॉल्व भी है कि अगर आपको क्या काम नहीं करना है करना है तो आप अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं। ठीक है, तो आपको सर्टिफिकेट कब मिलेगा कंप्लीट होने के बाद? सर्टिफिकेट 2 महीना में मिल जाएगा। 2 महीना जो फाइनल सर्टिफिकेट आता है एनएपीएस से जो आता है। एनएपीएस से आता है। और एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस मिल जाता है सप्ताह भर में मिल जाता है। मतलब सप्ताह भर, मतलब देखिए एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। एक्सपीरियंस के लिए आपको जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट होगा कोई भी अप्रेंटिसशिप में तो यहाँ तो एक सप्ताह के अंदर मिल जाता है। बाकी ये देवघर से थे और इनका भी कंप्लीट हो चुका है और कुछ डॉक्यूमेंट शायद आपका बच चुका है तो उसके लिए अभी यहाँ पर रुके हुए हैं। बाकी जो भी है दोस्तों कमेंट में बताइए, सबका रिप्लाई देंगे। अगर आप भी अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं या तो कोई कहीं से भी करना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताइए इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो के लिए। और वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।